जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। ऐसे में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से भी पटना स्थित कार्यालय में कर्पूरी जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने कर्पूरी जी के तैलचित्र पर माल अर्पण किया और उन्हें याद भी किया। इस दौरान जीतनराम मांझी मीडिया से भी मुखातिब हुए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मांझी ने बड़ा बयान दे डाला है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि जो नीतीश कुमार को कमजोर करेगा वो खुद कमजोर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर कोई नहीं कर सकता। मांझी ने यह क्लियर कर दिया है कि महागठबंधन में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। राजद के साथ नीतीश कुमार की कोई डील नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल रहे हैं अब वही जानते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मांझी ने साफ कहा है कि अंगूर खट्टे होते हैं, उसी लहजे में कुछ बात हो रही होगी। इसमें नीतीश कुमार का कहीं से कोई नाम कमजोरी है ना ही किसी तरह की डील की बात। वे लगातार 17 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं। हर आंधी तूफान को झेलने में नीतीश कुमार सक्षम है। वहीं सिवान में शराब पीने से 8 लोगों के मौत मामले पर मांझी ने कहा कि शराबबंदी की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां जरूर है। साथ ही कहा कि पदाधिकारियों की गलती के चलते गरीब तबके के लोगों को शराबबंदी के नाम पर फंसाया जा रहा है और बड़े बड़े तस्कर बचकर निकल जाते हैं। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। वहीं जीतनराम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की मांग की है और कहा है कि एक व्यक्ति फैसला ले और सरकार चले ये ठीक नहीं है। वहीं आरसीपी सिंह के बयान पर भी मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है और कहा है कि आरसीपी सिंह मनोरंजन के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। जब आरसीपी सिंह हमारे यहाँ थे तो उनकी नज़र में सब कुछ सही था, आज सब गलत हो गया है, जिसको लेकर अब मांझी ने ये बड़ा बयान दे डाला है। बता दें आपको कि ये मौका था जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती का, जिसे आज पूरा देश बड़े धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी ने भी पटना स्थित कार्यालय में कर्पूरी जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी ने कर्पूरी जी के तैलचित्र पर माल्य अर्पण किया और उन्हें याद किया। इसी दौरान जीतनराम मांझी ने मीडिया से भी मुखातिब होते हुए जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह बड़ा बयान दे डाला है। नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश की जा रही है अंदर से ही, और आरजेडी के साथ आखिर क्या डील हुई है नीतीश कुमार के, ये भी बताना चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमज़ोर करना चाहेगा वही कमज़ोर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी तो उनकी बात है, हमको पता नहीं है। लेकिन हम जब से जानते हैं नीतीश कुमार को, हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में स्टॉलवर्ट्स हैं, उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है और आज बहुत भली भांति से राज चला रहे हैं और गठबंधन भी चल रहा है, इंटैक्ट है गठबंधन। गठबंधन में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कह रहे हैं कि आखिर आरजेडी से क्या डील हुई है ये बताना चाहिए। वो उनकी बात अपनी है, अगर वो जानते हैं तो वही स्पष्ट करें कि क्या डील हुई है। डील कोई नहीं हुई है, हम लोग तो यही जानते हैं कोई डील नहीं हुई है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ऐसे लगातार बयान क्यों कर रहे हैं? अब क्या उनके मन की बात है, उसके मन को हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी काल ये सुना है कि अंगूर खट्टे होते हैं, ये भी प्रोवर्ब सुना है हम, तो हो सकता है उसी लहजे में कुछ बात हो रही होगी। लेकिन इसमें नीतीश कुमार का कहीं कोई न कमजोरी है और न कोई डील की बात है। वो एज यूजुअल जो राज की सेवा है लगातार 17-18 वर्षों से कर रहे हैं। मानी जी, उन्होंने कहा है कि जब भी नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार हुआ है तो वही एक ऐसे नेता थे जो हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। ये उनकी बड़प्पन है, अगर ऐसा उन्होंने किया है और नीतीश कुमार अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नॉलेज में तो ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार पर कभी कोई त्रासदी आई है और कोई उनको बचाया है। नीतीश कुमार अपने आप सक्षम हैं कि जब भी कोई भी आंधी तूफान आती है तो उसको अपने देख लेते हैं। वो
अब दूसरे लोग जो कहते हैं तो उनकी बात को हम लोग क्या कहें, मनोरंजन के लिए वो कहते रहे क्योंकि वो भी थे हमारे के यहाँ, जब हट गए तो वैसा वो बोल सकते हैं, उनकी बात है, इसलिए हम उस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। सर इतना कुछ हुआ उसके बावजूद फिर सिवान में देखा गया है कि फिर जर्नलिस्ट शराब से फिर मौतें सामने आ गई। सर देखिए ये सब बातें तो हो ही रही है और उसका खास कारण वही है जो मैं कहता हूँ सदा कि शराबबंदी ठीक है लेकिन शराबबंदी की जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है जो पेपर में हम लोगों ने देखा है, उन्होंने कहा है कि इन ऐसे केसों को जिसमें लोग फंसे हुए हैं डिस्पोजल के लिए स्पेशल कोर्ट या विशेष व्यवस्था नहीं होती है तब तक के सरकार बेल क्यों नहीं दे देती वैसे लोगों को। यही बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि कर पदाधिकारियों के गलती के चलते जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शराबबंदी के नाम पर फंसाया जा रहा है और बड़े बड़े तस्कर लोग हैं बच कर के निकल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शराबबंदी का एक दोष यही है, नहीं तो शराबबंदी और नीतीश कुमार की नियत में किसी प्रकार की कोई खोट नहीं है। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है और इससे बहुत अच्छा घर बन सकता है। आज ही हम अखबार में देख रहे थे या टीवी में, एक गांव के लोग सम्मिलित हो करके कसम खाया है कि हम लोग कोई शराब नहीं पिएंगे। ऐसी व्यवस्था और ऐसा उपाय होना चाहिए। और जहां तक सरकारी पदाधिकारियों के मथे छोड़ देने से आज अनेक प्रकार की दिक्कतें हो रही है जिसका भुक्त होगी गरीब लोग हो रहा है, यहीं पर हमारा विरोध होता है। ठीक है सर, आपकी पार्टी के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग